पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी, मैं पितृदोष के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना मेरे चाहते हस्बैंड का जैसे काम काफी टाइम से थोड़ा डाउन है, तो किसी पंडित जी ने बताया कि पितृदोष है आप। अच्छा, मतलब होता क्या है पितृ, आप क्या समझते हैं? पितृ, पितृ का मतलब ये हुआ कि जो जैसे आपके बाप दादा, आपके पति के जो बाप दादा हैं, परदादा, लक्कड़ दादा, जो भी पहले हैं, उन वो जो है आपसे नाराज हैं, ऐसा ही कुछ समझते हैं? हाँ, ऐसा ही कुछ, जैसे पितरियों का भार है या कुछ, बड़े हमसे सेटिस्फाइड नहीं। हाँ, बड़े जो है सेटिस्फाइड नहीं है, पता नहीं नाराज हैं शायद हमसे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ये हम बाद में बात करेंगे कि पितृदोष जन्मपत्री में किस प्रकार से नजर आए तो वो पितृदोष कहलाया जाता है, या जैसे किसी पंडित ने या जोशी ने ऐसे बताया, उसको बात को अभी रहने देते हैं, एक तरफ रख लेते हैं। तो मैं ये आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आपके जो पति हैं वो कभी भी बताइए आपके बेटे या बेटी का अहित चाह सकते हैं? कभी अहित चाह सकते हैं? हमने बेटा या बेटी को जोर के बोलिए आप। नहीं, वो तो कोई भी फादर नहीं चाहेगा। कोई भी फादर नहीं चाहेगा। अच्छा, अब आपके बेटे की शादी होगी या बेटी की शादी होगी, जब उनके बच्चे होंगे तो क्या आपके पति कभी अपने पोते पोतियों पे या नाती पे भी नाराज हो सकते हैं? कभी ऐसा हो सकता है कि मतलब इतने नाराज हो जाए कि वो उनको शराब दे दे, या मतलब इतना गुस्सा हो जाए कि मन में कुछ रख ले? नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है किसी भी फादर के लिए, पॉसिबल नहीं है कि वो अपने बच्चे का हित चाहेगा या पोते पोतियों का हित चाहेगा। तो फिर आप ये कैसे समझ सकते हैं कि आपके पति के दादा या परदादा वगैरह जो है वो आपके पति पे नाराज हो सकते हैं कभी, या उनको कोई शराब दे सकते हैं, या उनको गुस्सा हो सकते हैं, ये कैसे सोच सकते हैं? नहीं, पंडितों से सुना हुआ, वो बोलते हैं कि पितृदोष है, तो तब से हम तो डरे हुए हैं कि पता नहीं क्या गलती हो गई है क्या। नहीं, कोई गलती वाली बात नहीं, देखिए बच्चों से गलती होती है, हम काम करेंगे तो उसमें भी कुछ गलती हो सकती है, काम नहीं करेंगे तो गलती होगी नहीं, ठीक है ना। लेकिन ये बात तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि बाप दादा परदादा वगैरह जो भी हैं वो कभी नाराज नहीं हो सकते अपने पोते पोते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब जब उन्होंने शरीर भी छोड़ दिया है उसके बाद भी नाराजगी बरकरार है, वो नाराजगी खत्म ही नहीं हो सकती। तो इसलिए जो नाम पितृदोष के हिसाब से रखते हैं, तो कई ज्योतिष में जैसे जन्मपत्री में बना के दिखाता हूं, कई तरीके हैं, जिस तरीके से मर्जी बोल दो, क्योंकि ये चीजें वेरीफाई नहीं हो सकती। जैसे राहु सूर्य जो है वो दसवें भाव में हो गए तो पितृदोष हो गया, अब मैं कहता हूँ राहु बुध यहाँ हो गए तो भी पितृदोष हो गया, जो मर्जी मैं कह दूं, क्योंकि इस चीज की कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कोई जाके ये नहीं पूछ सकता कि बाप दादा नाराज है नहीं है, क्योंकि वो तो है ही नहीं इस पृथ्वी पे। अब वो जब है नहीं तो तब भी वो नाराज है, किस बात पे नाराज होंगे? कि आपके पति ने वो कमाया नहीं, या पति ने उनका ख्याल नहीं रखा कभी, या आपके पति ने जो उनकी कोई मन में इच्छाएं होंगी वो पूरी नहीं हुई, तो उनकी इच्छाएं तो वो तब तक थी जब तक वो पृथ्वी पे थे, उसके बाद तो इच्छाएं खत्म होगी, शरीर ही खत्म हो गया तो इच्छा भी खत्म होगी। तो इसलिए जिस प्रकार से आपके पति आपके बेटे पे, अपने पोते पोतियों पे कभी नाराज नहीं हो सकते, इसलिए आप समझ लीजिए आपके पति या आप के जो पूर्वज हैं वो आप पे कभी नाराज नहीं होते। इसलिए पितृदोष कुछ नहीं है, सिर्फ पैसा कमाने का धंधा है और कुछ नहीं।